हेलो फ्रेंड्स, एक और सम के साथ ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये सम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे। एक तो आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट और दूसरा आएगा मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट। दोनों इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे तो आपका बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। इफ ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जैसे कि यहाँ पे दिया है। अच्छा, वर्टाइसिस का मतलब ये कॉर्नर्स होता है। ये कॉर्नर ट्राइंगल का, ये भी कॉर्नर ट्राइंगल का, ये भी ट्राइंगल का कॉर्नर। तो कॉर्नर को हम लोग वर्टाइसिस बोलते हैं। तो इसमें दिया ए बी सी, इसके वर्टाइसिस हैं। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन बी। यानी कि ये जो मीडियन है, मीडियन का मतलब जो सेंटर में से पास होता है उसको मीडियन बोलते हैं। तो ये जो बीई है वो ए और सी के मिडल में है। यानी ई पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, ठीक है। इसलिए हम मैंने सिंबल किया है कि दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अभी आपको बीई फाइंड करना है। बीई फाइंड करने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई। कैसे मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। बट प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले ई का पॉइंट, ई का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके बी और ई के बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम समझते मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसा है। जैसे कि अगर हमने दो पॉइंट्स लिए हैं ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट्स भी इस प्रकार है x1 y1 x2 y2। तो उसका मिडल पॉइंट में अगर हम m लेते हैं, सपोज ये m जो पॉइंट है वो ए और बी का बीच में है, मिडल में है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ये बनेंगे। कैसे, देखो x1 प्लस x2 बाय 2 करना है, यानी ये कोऑर्डिनेट प्लस ये कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2 करना है, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 करना है। इससे आपको मिड पॉइंट मिलेगा। तो हम सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो लिखता हूं मैं यहां पे सॉल्यूशन करके के मिड पॉइंट E इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 प्लस दिस, 2 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 2, और 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ये आपको देखना है। देखो फिर से ध्यान दीजिए, 2, ये देखिए यहां पे देखना, मैं यहां पे उंगली लगा, 2 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 2, 3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। इसका आंसर, मिड पॉइंट फाइंड करना बहुत आसान है, स्क्वायर रूट नहीं करना है, स्क्वायर नहीं करना है, डायरेक्ट प्लस माइनस करके आंसर मिलेगा। प्लस माइनस इज माइनस, सो दिस विल बी 2 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, प्लस माइनस इज माइनस, so this will be 3 minus 1 divided by 2। क्या आएगा, 2 minus 5 means minus 3 by 2, और ये हो जाएगा 2 by 2, जिसका आपका आंसर आएगा minus 3 by 2 and 1। this is your answer number 1, means mid point का answer। अब ये point का coordinate पता है जो हमने ढूंढ लिया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ई। तो क्या आएगा, बीई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस इसके कोऑर्डिनेट्स, मैं यहां पे लिख देता हूं, माइनस 3 बाय 2 एंड 1।
ठीक है, तो इजी रहेगा। अब 4 माइनस दिस माइनस माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 होल स्क्वायर अब देखिए प्लस सॉरी माइनस माइनस विल बी प्लस तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अब देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 रखेंगे डिनोमिनेटर दोनों को सेम बनाना है जिसे हम बोलते हैं एलसीएम आपको इसमें एलसीएम लेना है तो एक मेथड ऐसी है मैं ऐसा समझाता हूं हमेशा कि डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यहां भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए ठीक है तो 4 भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो देखो क्या होगा 4 इंटू 2 विल बी 8 बाय 2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर और यहां पे 6 का 36 ये समझ लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर रूट समझने के लिए सॉरी एलसीएम समझने के लिए कैसे सपोज यहां पे 3 दिया है यहां पे दिया है 7/2 तो इसका एलसीएम लेना है तो कैसे लेंगे 3 के नीचे 2 लिख देंगे क्यों 2 लिखेंगे सबसे पहले तो आप समझिए कि 3 के नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है अब डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इसको 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यहां भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 3 के साथ भी इसका आंसर होगा 3 × 2 = 6/2 प्लस 7/2 यानी ये हो जाएगा 13/2 ये आपका आंसर ठीक है तो इसका आंसर हमने लिया 8/2 प्लस दिस अब देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे और क्या लिखेंगे 8 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर रूट जो था वैसा का वैसा अब इसका आंसर क्या आएगा इसको सॉल्व करते हैं 8 प्लस 3 यानी 11 11/2 होल स्क्वायर प्लस 36 11 का स्क्वायर ये स्क्वायर दोनों के नीचे दोनों पे लगेगा 11 का स्क्वायर 121 2 का स्क्वायर 4 फिर से एलसीएम क्योंकि 36 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे इसको मल्टी इसको 4 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 इसको भी 4 बनाने के लिए इसको भी बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 36 इंटू 4 क्या होता है हम यहां देख रहे थे 36 इंटू 4 6 4s are 24 4 3s are 12 13 14 144 ये हो जाएगा 121 प्लस 144 डिवाइड बाय 4 अब इसको ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 265 डिवाइड बाय 4 ये आपका आंसर ठीक है यानी कि हमने क्या किया इसमें सबसे पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला फाइंड किया यानी मिड पॉइंट का फॉर्मूला से हमने मिड पॉइंट फाइंड किया ई के कोऑर्डिनेट्स मिल गए उसके बाद हमने डिस्टेंस फाइंड किया है बी और ई का डिस्टेंस फाइंड किया है डिस्टेंस फॉर्मूला से और हमको वो भी यहां पे मिल गया उम्मीद रखता हूं मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं जितने आप लाइक्स और सब्सक्राइब मेरे को चैनल को करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे अच्छे वीडियोस भी अभी मैं बनाने वाला हूं ठीक है थैंक यू